नमस्कार दोस्तों, एडवांस लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मारवाड़ी चिकन हम कैसे बनाते हैं। हमारे मारवाड़ी की एक खास बात यह है कि हम जो है मसाला बहुत स्पाइसी खाते हैं, बहुत तेज़ खाते हैं। तो आपसे मैं ये बोलूँगा कि आपके जो जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं उसमें तो मसाले थोड़े कम कर दीजिए। वो उसका मेजर भी बता दूंगा आपको। जैसे ये है मसालादानी आपके सामने, तो इसके अंदर क्या होता है, कैसे रेशियो रहना चाहिए। आप 10 चम्मच डालते हो तो 4 चम्मच मिर्ची डालिए। हम तो इतना खाते हैं, 10 चम्मच मिर्ची, 4 चम्मच नमक, 6 चम्मच अगर आप मिर्ची डालते हैं तो 2.5-3 चम्मच आपको नमक डालना है। अब देखिए, सबसे पहले हमारा मारवाड़ी का ये तरीका है, ये चिकन है हमारे पास, तो इसके हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम तो मारवाड़ी लोग हैं तो उस हिसाब से हम मिर्ची डालते हैं। तो 1, 2, 8 चम्मच मैंने इसमें, ये इसका स्पून होता है ना, उस हिसाब से आपको अंदाजा लगाना। रेशियो आपको ये रखना है 10 के अंदर 4% नमक और 6% मिर्ची, आप किसी भी रेशियो को लेकर अंदर रखिएगा। अब जैसे ये 1, 2, 3 और ये 1/2 चम्मच ये लग गया। हल्दी हम डाल देते हैं इसके अंदर, देखिए 3 चम्मच हल्दी डाल दी और धनिया डाल देते हैं हम इसमें 4 चम्मच, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप देखिए, इसमें गरम मसाले भी हम हाथों हाथ ही डालते हैं इसमें। तो दोस्तों अभी गरम मसाला हम डालेंगे इसमें 5 चम्मच। गरम मसाला मतलब अभी डाल दिया, अब हम क्या करेंगे इसको मसल देंगे। तो मारवाड़ी का खाना का हम मतलब यही होता है कि हम अभी आप देखते हैं या आराम से इसको पीस रहे हैं अच्छी तरह, मस्त कर देंगे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स हमने अभी इंडक्शन चालू कर दिया, या आप गैस पे बनाते हैं, कहीं भी बनाते हैं, तो आपको यही चलना, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मसल देना है। ये देखिए हम स्पाइसी मिर्ची खाते हैं। तो अभी हमने हमारा गैस चालू हो चुका है इंडक्शन, या आप गैस पे बनाते हैं गैस पे बना सकते हैं। और तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं गैस गर्म हो रहा है। दोस्तों हमने तेल डाल दिया है हिसाब के अनुसार, और अभी आप इसको गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, प्याज हमने काट दी है बारीक बारीक से, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के, मतलब लहसुन थोड़ी, जितना लहसुन लेते हैं उतना ही अदरक लें, अदरक थोड़ी ज़्यादा ले लेंगे तो आपको स्पाइसी बहुत मज़ा आएगा उसके अंदर। ये हमने मिक्स कर दिया इसको अच्छी तरह से। अब हमारा तेल गर्म हो रहा है, हम उसमें डालेंगे, उससे पहले भी खड़ा मसाला डालेंगे उसके अंदर। जो खड़ा मसाला है वो होता है साबुत मसाला जिसको कहते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमारा मारवाड़ी लोग के अंदर ये होता है कि हम तेल जो है ना कच्ची घानी का तेल यूज़ करते हैं। अब हम इसमें गर्म मसाला डाल दिए, खड़ा मसाला जिसको कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा खड़ा मसाला हम पकाएंगे इसको अच्छी तरह से। देखिए ये अभी पक चुका है, इसमें हम क्या करते हैं प्याज लहसुन का जो पेस्ट बनाया है वो डाल देते हैं। डाल दिया इसके अंदर, अब थोड़ी देर हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट इसको पकाएंगे। चलो थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लाल हो रहे हैं प्याज थोड़े, फिर थोड़ा सा और रुकेंगे हम, फिर आपको बताएंगे पूरा पूरा ये जो मारवाड़ी जो चिकन किस प्रकार से बनता है। अब एक बार स्पाइसी खा के देखिएगा, हमको क्या स्पाइसी खाते हैं राजस्थानी लोग, इसी हिसाब से आपको थोड़ा। फ्रेंड्स हम टमाटर डाल देते हैं इसके अंदर, टमाटर के साथ साथ हम जो हमने बनाया था वो पेस्ट देखिए इसके अंदर वो डाला था, जो चिकन विकन मसाला रोस्टेड करके डाला था, उसको मिक्स करके डाला था, उसको हमने डाल दिया है। तो फ्रेंड्स जो बाकी जो मसाला बचा था हमने ये क्या रहा है पानी में इसके अंदर डाल दिया, ताकि थोड़ा मसाला घुल के इसमें सामने आ जाए। ये देखिए आपको कभी लगता है स्पाइसी, 10 आधे किलो के अंदर 8 चम्मच मिर्ची, जो आपके जो भी होंगे, अगर बड़ा स्पून है आपके उसके अंदर तो आप ये रेशियो रखेगा, 8 चम्मच तो मिर्ची और 3-4 चम्मच नमक। तो इससे क्या आपका लेवल बिल्कुल
चिकन का बिल्कुल बराबर रहेगा। और आप देख सकते हैं आपको मुंह में भी पानी आ रहा होगा, तो अगर आपको लगता है कि ये अच्छा चिकन बन रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं फ्रेंड्स, अभी ढक के इस प्रकार से रख देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए, उसके बाद उसमें बाद पानी डालेंगे। तो फ्रेंड जब तक मारवाड़ी का मतलब ये है, देखिए हमने क्या करा इसमें अंदर, ये मिर्ची पूरी जो है हरी मिर्च ऐसे काट के इस तरह करके दो टुकड़े करके इसमें डाल दिए। अब हम क्या करेंगे इसको इसमें, अब डाल दिया फ्रेंड्स हमने, अब थोड़ी देर बाद आप देखिएगा आपको खुद लगेगा नहीं। मुझे लगता है आपको मुँह में पानी आ रहा होगा, इस प्रकार से आप बनाइएगा। स्पाइसी मिर्ची मतलब ये राजस्थान का स्पाइसी मिर्ची। फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये आप अगर आप खाना चाहते तो ये देख लीजिए तो आपको हो सकता है मेरे वीडियो पसंद आया होगा। ये देखिए तो दोस्तों अभी हम लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं, इसके अंदर हम अब धनिया डालेंगे। तो फ्रेंड्स अभी बन चुका है हमारा चिकन, और ये देखिए अगर आपको पसंद आता है ये आपके लिए, देखिए इसमें हरा धनिया बिल्कुल बराबर डालना है इतना अच्छा, तो आपको भी लगे। मेरा इतना पहला वीडियो है लेकिन आपको बनाने का तरीका बता दिया है, रेशियो बता दिया है आपको। 1 किलो लेते हैं तो उसमें 16 चम्मच नमक और 7 चम्मच नहीं 16 चम्मच तो मिर्ची और 7 चम्मच नमक ये डाल दीजिए, आपको बिल्कुल मस्त बिल्कुल मटर सॉल्व हो जाए। आप देखिए बिल्कुल बन चुका है हमारा रोस्टेड मतलब जिसको मसाला कहते हैं मारवाड़ी चिकन, वो बन गया बिल्कुल। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बनाऊंगा कोई रेसिपी, तो देखिए एक बार ये देखिए रेसिपी, इसमें आवाज़ भी आ रही देखिएगा आप। ये फ्रेंड्स देखिए मारवाड़ी चिकन पसंद आता है तो आप भी टेस्ट करिएगा और इसको ज़रूर घर में अपनाइएगा। तो हमारा तो ये चिकन बन चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और बनाना सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।